तो वहीं वहीं जा करके पड़ गया। जब पड़ गया पुजारी आया, पुजारी ने देखा मंदिर में झाड़ू लगेगी, सफाई होगी, ये कौन पड़ा है भाई? बोला तू गोली माधो भाई, क्या कहने दे? क्यों भाई, तू शराब पी करके तुझे शर्म नहीं आती है? तूने हमारा ये मंदिर नापाक कर दिया, ये गंदा कर दिया, एक शराब पी करके पड़ा है। ये मंदिर हमारे धर्म में सबसे बड़ा है। जैसे उसने कहा हमारे धर्म में ये मंदिर सबसे बड़ा है, तो एकदम शराबी बोला तेरा मंदिर बड़ा है तो तू बता दे ये पृथ्वी के ऊपर क्यों खड़ा है? पृथ्वी का सहारा लेकर के बड़ाई है तेरा मंदिर, तो पृथ्वी पर क्यों खड़ा है? ओ उसने सोचा, पुजारी ने बात तो सही कही है इसने, पृथ्वी तो ही तो निर्माण हुआ है इसका। हाँ भैया तेरी पृथ्वी बड़ी है, तो जा यहाँ से जा। वो फिर भी नहीं गया, पृथ्वी बड़ी है तो एकदम शराबी बोला पृथ्वी बड़ी है तो तू बता दे शेष के फन पे क्यों खड़ी है? सभी लोग कहते हैं शेष ने धर रखा है पृथ्वी को बाहर, तो भाई बोला शेष बड़े तो तू बता दे शंकर भगवान के गले में क्यों पड़े हैं? बैस दोनों में होती गई। वो बोला चल तो शंकर भगवान बड़े तेरे, शंकर भगवान बड़े तो तू बता दे पुजारी वो कैलाश पे क्यों पड़े हैं? भाई वाणी की चल कैलाश बड़ा है, कैलाश बड़ा है तो तू बता दे फिर वो हनुमान के हाथ पर क्यों खड़ा है? भाई हनुमान बड़े हैं, हनुमान बड़े तो तू बता दे वो राम के कदमों में क्यों पड़े हैं? अरे तो भैया तेरे राम जी बड़े हैं, चल राम जी बड़े तो तू बता दे वो सीता के पीछे क्यों पड़े? सीता बड़ी है, सीता बड़ी है तो लंका में क्यों पड़ी है? आदि शक्ति बताते सीता को, शक्तिवान है तो रावण को मार सकती है, लंका में क्यों पड़ी है? इस वजह से लंका में शक्ति ज्यादा निकली, रावण में सीता को ले आया तो लंका बड़ी है। वो बोला लंका बड़ी है तो तू बता दे बीच समुद्र में टापू पे क्यों खड़ी है? तो फिर समुद्र बड़ा है, जल के अंदर लंका वसी है, समुद्र बड़ा है, तो शराबी बोला समुद्र बड़ा है तो तू बता दे बोतल में क्यों पड़ा है? शराब में खारी पानी मिलाते हैं बुजुर्ग कहते हैं तब शराब बनती है। तो पुजारी हाथ जोड़ के बोला भैया शराबी तू ही बता दे कोई दुनिया में बड़ा है कि नहीं है? न तेरी मस्जिद बड़ी है, न तेरा काबा बड़ा है, न तेरा गुरुवारा बड़ा है, न तेरा ये मंदिर बड़ा है, बड़ा वो ये दुनिया में जो पी करके वो बड़ो है एकदम। बोलो सही कह रहा भाई, एक मिनट में खरीदी ले आदमी को, एक मिनट में गोली मार दे शराबी और पिट जाए यार के फिर चल दे, गाय बंद नहीं होती है। अब सुनेंगे मेरी आवाज जो हमारी जनता व्याकुल है, हमारी नई आवाज जो कर तो तुमने तमाम देखे होंगे पर मैं अभी पैदा होके आया हूं। सुनेंगे मेरी आवाज, जानवरों की भाषा, जानवरों की भाषा क्या है, कोल से लेकर के सब पक्षियों की आवाज सुनाऊंगा, आनंद जरूर आएगा तुमको। एक इंसान होकर के मैं पशु पक्षियों की आवाज दूंगा, क्या नाम बक्की भाई दे रहे हैं 10 रुपए, 20 रुपए दे रहे हैं 10 और दे दिए, और 30 रुपए दे रहे 10 और दे दिए, और 40 रुपए दे रहे बक्की भाई, 50 तो कर देंगे पूरे। ये 50 रुपए दे रहे बक्की भाई और हमारे मोटा भाई साहब तो तैयार खड़े हैं, फिर दे दियो, अभी तो बहुत समय रात बहुत पड़ी है, सबर की ले लूंगा, लाओ। रामनिवास कह रहे हैं अगर मेरी ले ले, 10 रुपए दे रहे रामनिवास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोयल की आवाज सुनेंगे, ये कोयल की आवाज। पपिया की आवाज सुनेंगे, पपिया के बाद घोड़ा तांगे की आवाज, जो रोड पर चलता है घोड़ा तांगा, ये टापदार घोड़ा है। इसके बाद में गधे की आवाज, चलो जाए ना नीचे जा, चल भाजा ना गिर रो, अब ना गिरे हो जा।
अब इसके बाद में आवाज आई बकरा बकरी की, ये बकरा की आवाज आई, स्त्री के छोटे से बच्चे की आवाज, ये बच्चे की आवाज। जब तक क्वार का महीना लग गया, क्वार के महीने में तुम जानते हो सबसे जोर किसका रहता है, कुत्ता कुत्ती है नगो। नेगर बढ़ा दी मास्टर, नेगर बढ़ा दी। एक जबदी कुतिया चार पिल्लों से ब्याह गई, सोवर में पिल्ले पड़े, उनकी आवाज कैसी होती है? ऐसी बड़े हो जाते उनकी आवाज, जो पिल्ले की आवाज थी। जब पूरा जवान हो गया, उसके टावर आने लग गए, तो कुतिया अपनी भाषा में, कुतिया के पास पहुंच गया पिल्लों के पास, वो कह रही है अपनी भाषा में, झगड़ा कैसे होता है, लड़ाई कैसे होती है, गाली कैसे देते हैं। वो कह रही है काई को आए हो, कुत्ता बोलो एकड़ी में, अच्छा यार एक बार ताली तो बजा दो मेरे लिए। क्या बात, बस बस बस, 30 रुपए और आए हमारे भाई साहब की तरफ से, 50 पहले दे चुके हैं, 30 फिर से दे रहे हैं। अब ये तो हुआ जवानों का झगड़ा, एक बूढ़ा कुत्ता बैठा था जिसमें दम तो है नहीं, जो झगड़े में आया। फिर कहोगे कछुआ की के चैंटी की जने की आवाज होती है यार, है कम मक्खी की सुनाओ आवाज, सुनाई जाती है, सुनाने लायक होती है वो, तो सुनेंगे बूढ़े कुत्ते की आवाज, जुते हुए खेत में रो रहा है। क्या बात मोटे भाई साहब, हाँ मरंग मरंग होने चिंता मत करो रात भर। अब लीजिए इंजन की आवाज और सुनेंगे, मेरा मुंह है एक आवाज, तीन आए ही आपके समक्ष में, वो छक छक की आवाज पहले हत्ते पर, फिर धक धक की आवाज, फिर सालन सर पर डिब्बा या सीसी लगाते किसान लोग, चक्की पे भी चला देते हैं उसको, टुक टुक की आवाज आती है उसमें, तीन आवाज आएंगी सुनेंगे आप। हमारे मोटा भैया दे रहे फिर से इंजन की आवाज बंद करते, नहीं मजा आएगा। अब मेरा एक गाना सुनेंगे बाबा साहब के ऊपर, बाबा साहब के लिए वो गाना है, आप तालियों की गड़गड़ाहट करते रहेंगे इस गाने के अंदर। हर हमारा जाति का, हमारे भाई जात का भाई हैं, अपने हैं, जो बाबा ने नाम किया है भारत के अंदर, वो किसी नेता ने अवतार लेके भी नहीं किया, वो क्या है, टन टन मत बजावे, चालू हो जाओ जब बजेयो। उसके बाद में इनका हर कोई नहीं जान सकता, जाति का भी नहीं जान सकता, ये कहां के रहने वाले, इनका पहले नाम क्या था और कहां पढ़े थे, इनका जिला कौन सा, इनका गांव कौन सा है, और कौन सी सन में जन्म लिया था इन्होंने, मैं बताता हूं। जिला इंदौर में, मऊ छावनी में, जिला इंदौर मऊ छावनी में सन 1891 में, सन 1891 में जन्म लिया था
इनकी माता का नाम भीमाबाई, घरवाली का नाम है रमाबाई। बाबा साहब के बारे में इतना बताता हूँ, जिला इंदौर में मऊ छावनी में इनका जन्म हुआ था, जो देश के अंदर विख्यात है, ऐसा भारत रत्न नेता आज तक पैदा नहीं हुआ। जो मैं कह रहा हूँ अब गाने के माध्यम से सुनेंगे, कौन कौन सी चीज हमने तुमने बांट ली है और कौन कौन सी चीज का बंटवारा नहीं हुआ है देश के अंदर, गाने के माध्यम से सुनेंगे। गाना है जन्म जन्म का साथ है रोजाना भूल जाते हो, हेलो अब आज पे हाथ उठा लो। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में और लेते जन्म दोबारा। बस अब यहां से बाद बाबा की कहानी आएगी। चाहे मंदिर चाहे मस्जिद चाहे चर्च गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। चाहे मंदिर चाहे मस्जिद चाहे चर्च गुरुद्वारा, परम पिता तो एक है हमारा तुम्हारा। जान दे देते हैं हम तुम्हें क्या क्या बंटवारा हुआ है, बांट लिए हैं अपनी धरती, बांट ली अपनी भाषा, कोई हिंदी कोई फारसी कोई इंग्लिश बोलते हैं हम तुम सभी लोग। ये बंटवारा हमारी पढ़ाई का हुआ, बांट लिए हैं अपनी धरती, बांट ली अपनी भाषा और बांट लिए भगवान आपने, सोचा नहीं जरा सा। कोई मानता अल्लाह को, कोई राम को, कोई भोलेनाथ को, कोई बजरंगबली को, कोई दुर्गे माँ को, कोई बाबा साहब को, देवता भी बट गए हमारे तुम्हारे। बांट लिए हैं अपनी धरती, बांट ली अपनी भाषा और बांट लिए भगवान आपने, सोचा नहीं जरा सा। हिम्मत है तो करके दिखाओ तुम इसका बंटवारा, किसका बंटवारा नहीं कर सकते हम तुम लोग। नील गगन तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा, हमारे श्री प्रताप सिंह का नगला निवासी, एक से एक रुपया बाबा साहब की कहानी पर दे रहे हैं और 20 रुपए और मेरे भाइयों की तरफ से आए हैं। नील गगन का बंटवारा नहीं कर सकते, इसकी छत्र छाया में हम सातों जात रहती है भारत के अंदर, कोई नहीं बांट सकता इसको, बांट सकता है कोई अलग कर सकता है नहीं। अब कौन सी चीज आई जिसको अलग नहीं कर सकता कोई। भारत देश के नेताओं ने ऐसा जुल्म किया है, ऐसे भ्रष्ट नेता हो गए भारत के अंदर। भारत देश के नेताओं ने ऐसा जुल्म किया है और भारत देश को इस दुनिया में वो बदनाम किया है। और भाई साहब दे रहे हैं हमारे लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाई साहब दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनके लिए। भारत देश को इस दुनिया में वो बदनाम किया है। हमारे देश के हर बच्चे का कौन सा नारा है, बच्चों से पूछूंगा बच्चे कौन सा नारा देश का। अरे हमारे देश के हर बच्चे का वंदे मातरम नारा, और ये संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा, ये संविधान तो एक है। ये 20 रुपए और सज्जनों की तरफ से 20 रुपए आए हैं, कोई संविधान का बंटवारा करके दिखाए हमारे भारत।
डॉक्टर, तब से जानू। ये बाबा साहब का संविधान लिखा हुआ है, संविधान तो एक है हमारा तुम्हारा, अरे तुम्हारा। सियाराम बरसोली निवासी 51 रुपए दे रहे हैं, कह रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसी चीज सुना रहे हैं आप। क्या संविधान का बंटवारा नहीं कर सकता, नील गगन का नहीं कर सकता? 10 रुपए और आए हमारे भाई साहब की तरफ से, 10 रुपए और मेरे भाई साहब की तरफ से आए हैं बाबा की कहानी पर, 10 रुपए और आए हैं भवानी के लिए मेरे भाई साहब की तरफ से। आज मैं अपने भाइयों में बाबा साहब की कहानी बता रहा हूं। फतेह से 50 रुपए दे रहे हैं और सुने पूरा होगा गाना, पूरा होगा। और हम भाई कैसे कैसे बदल गए, हम एक माँ के 4 भाई हैं, भारत माँ हमारी एक माँ है, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 भाई हैं, इस देश में रहते एक मकान में, परंतु बंदी किसी में नहीं, हम में किसी किसी में नहीं बंदी है। ऐसे एक परिवार में 4 भाई हो उनमें भी नहीं बनती है। बदल गए हम 4 भाई, तेवर बदले बदले, बदल गए हम 4 भाई, तेवर बदले बदले। और भाई से भाई को देखो गिन गिन लेता बदले, दूध पीने के लिए। और हमारे श्री महावीर सिंह राया रामपुर निवासी 50 रुपए दे रहे हैं, वाह बहुत बहुत धन्यवाद, कितने कितने महान नेता बैठे हैं। और एक चीज का बदलाव नहीं कर सकता, कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता, सातों जात में एक ही चीज पूरी हुई है, वो क्या चीज है मैं बताऊंगा। बदल गए हम 4 भाई, तेवर बदले बदले। और भाई से भाई को देखो गिन गिन लेता बदले, अरे हिम्मत है तो करके दिखाओ ये चैलेंज हमारा। क्या, अरे खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, अरे तुम्हारा। हमारी बाबा साहब की चीज पर सातों जात में छुआ छेद क्या, क्यों है छुआ छेद? जब खून का रंग हर एक आदमी का एक जैसा है तो फिर क्या ऐसी बात है जो बाबा साहब ने विधान बनाया उस पर लोग बहुत इतराज करते हैं और बहुत से मानते हैं। खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। जलेसर निवासी 20 रुपए लाए हैं, 50 रुपए हमारे रामलखन पत्तापुर निवासी दे रहे हैं, धन्यवाद। 10 रुपए और भाई साहब दे रहे हैं, कोई 10 रुपए और कोई भाई साहब देख रहे हैं। अरे खून का रंग तो एक है हमारा तुम्हारा, नगला फतेह निवासी दे रहे हैं धन्यवाद। हमारा छोटा सा बच्चा है,
बाबा साहब लंबी आयु करें इसकी, इस समय 10 रुपए दे रहे हैं अथवा धन्यवाद। दे रहा हूं और कितनों लिखो है संविधान बताए दे गहराई में, हेलो कितनों लिखो है संविधान बताए दे गहराई में, और गहराई में और चौड़ाई में कितना बड़ा जी लंबाई में, हमको बताए दे निवासी 20 रुपए, नाम नहीं बताया तुमने, कितना लिखो है संविधान बता दे गहराई में, यही बताने सकता ये अथाह सागर है, जैसे रामायण गीता होती है उसी प्रकार से संविधान बहुत बड़ा है। गिरिराज सिंह प्रधान जी नगला लक्ष्मण निवासी इतनी दूर से आए हैं कहानी पर 101 रुपए दे रहे हैं, गहराई में चौड़ाई में कितना बड़ा लंबाई में कितना लिखो है संविधान, मालूम पड़ेगी। डॉक्टर ज्ञानेंद्र बाबू, डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह नगला लक्ष्मण से 201 रुपए इस समय पुरस्कार दे रहे हैं बवाली जोकर के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रोमियो रोमियो ठाकुर पौंडरी निवासी इस समय 50 रुपए दे रहे हैं, धन्यवाद। 50 रुपए श्रीमान अमर सिंह ग्राम पुनहरा निवासी दे रहे हैं, धन्यवाद। और कोलो मेज पर बाबा देखो और संग समान दहाड़े, पौड़ी निवासी 10 रुपए और मेरे भाई साहब दे रहे हैं, और जिन्ना गांधी दोनों के देखो कान हो गए धारे, हमारे बुर्रा खुद के रहने वाले बुर्रा खुद के श्री आदरणीय महोदय जयपाल सिंह जी 51 रुपए बवाली के लिए दे रहे हैं। बहादुर सिंह बोर्रा निवासी उनकी तरफ से 50 रुपए आए हैं, और गहराई में और चौड़ाई में कितना बड़ा है लंबाई में कितना लिखो है संविधान बताए दे गहराई में कितना लिखो है संविधान बताए दे गहराई। अब मैं लड़कियों को बुलाता हूं और बीच में समय मिलेगा तो और बाबा की कहानी दूंगा। ओ पानी में लहरा ले रही रे राजा
स्पीकर साहब, ये 50 रुपए दे रहे हैं। धन्यवाद। रोमियो ठाकुर औरंगजी के लिए दिए जा रहे हैं। रोमियो ठाकुर दे रहे हैं औरंगजी के लिए। आपको सबको आनंद आएगा ऐसी।